नमस्कार, आप देख रहे हैं ललित समाचार। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अश्विन नवरात्र के पांचवें दिन श्री काली माता मंदिर कालका में शीश नवाया। उप मुख्यमंत्री ने श्री काली माता मंदिर में काली मां की पूजा अर्चना कर महामाई का आशीर्वाद लिया। उप मुख्यमंत्री साथ लगते गुरुद्वारा साहब में भी नतमस्तक हुए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने माता के दरबार में माता रानी से दुआ की कि सब के परिवारों में सुख समृद्धि खुशहाली लाएं। सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रों की शुभकामनाएं दी। उनके साथ पूर्व विधायक लतिका शर्मा, जेजेपी जिला अध्यक्ष ग्रामीण भाग सिंह दमदमा, पार्षद व अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहे। ललित समाचार के लिए अख्तर फारूकी, प्रवीण कुमार व अजीत सिंह की रिपोर्ट। ॐ केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, ॐ ऋषिकेशाय नमः, ॐ हस्तो कौशल्यताम्, ॐ पवित्रेशो वैशाख्यौ सावितुर्वाह, ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमिवबन्धनान् त्रिकोणमुखश्रीयहामृतात् न वेद्यं न वेद्यामि नमो नमः। ॐ प्राणाय अपानाय व्यानाय समानाय उदानाय स्वाहा, हस्तौ प्रक्षाल्यताम्, नैवेद्यम् अखण्डरितुफलं समर्पयामि नमो नमः। पादशतां सेवे महाकालिकां, यामस्तोष्णपिते हरौ कमलाचीतां सुतुल्यप्रभां, गौरीदेह समुद्भवां त्रिजगतां करते हैं जी। जैसे आज ये किए ना जी, अलग अलग प्रकार से, और फिर इसको शाम को प्रसाद में प्रसाद वितरित नवरात्र के पावन इस अवसर पर, इस पावन महीने पर, मैं तो ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ, माता रानी से यही दुआ करता हूँ कि सबके परिवारों में समृद्धि खुशहाली लाने का काम करे, और जो हमारा भाईचारा है, एकता है, इस देश को और मजबूती देने का कार्य करे, कि हम मिलकर इसी स्नेह और उत्साह के साथ दिवाली तक का जो ये हमारा पावन महीना है, इसको इसी खुशी और उत्साह के साथ